स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है? संभावित रूप से जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला पहला देश बन गया है। ए इटली, बी ग्रीस, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। आंसर बी ग्रीस। एक्सप्लेनेशन: ग्रीस गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है, संभवतः जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला पहला देश बन गया है। अन्यथा स्वस्थ युवाओं में हृदय विफलता, स्ट्रोक, रक्त के थक्के और कैंसर के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न। IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? ए सनराइजर्स हैदराबाद, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सी चेन्नई सुपर किंग्स, डी दिल्ली कैपिटल्स। आंसर ए सनराइजर्स हैदराबाद। एक्सप्लेनेशन: सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 287 पर 3 का स्कोर बनाया, जो एक नया रिकॉर्ड टोटल है। इसी सीजन हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 पर 3 का रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां, डी 12वां। आंसर बी 10वां। एक्सप्लेनेशन: एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की 10वीं रैंक है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद पहली बार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दूसरे स्थान पर कब्जा किया है। इस रैंकिंग में लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा चौथे और टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? ए सवाई मानसिंह, बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सी धर्मशाला, डी वानखेड़े। आंसर सी धर्मशाला। एक्सप्लेनेशन: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA ने अपनी अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया है। हाइब्रिड पिच में मैदान के भीतर की कुदरती टफ के साथ कुछ फीसदी हिस्सा पॉलीमर फाइबर का होता है। इससे पिच टिकाव रहती है और इस पर एक जैसा उछाल भी मिलता है। इसमें 5% ही पॉलीमर फाइबर का इस्तेमाल होता है ताकि पिच के नेचुरल गुण बने रहे। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD कौन है, जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया? ए अंशुला कांत, बी सौम्या स्वामीनाथन, सी गीता गोपीनाथ, डी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। आंसर डी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बल्गेरिया की क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने 2019 से IMF की MD के रूप में कार्यरत है।